स्टफ दाल पूरी बनाने के लिए हमें चाहिए 10 से 12 लहसुन. मैंने यहाँ पर 10 लहसुन लिए हैं. यहाँ पर मैंने 6 से 7 हरी मिर्च लिए हैं. आप चाहे अगर आपको तीखा पसंद है तो आप और थोड़ा ज़्यादा ले सकते हैं. मैंने यहाँ पर मसूर की दाल यूज़ किया है. जो स्टफ्ड मैं करूँगी वो मसूर की दाल से करने वाली हूँ. 150 ग्राम मैंने मसूर की दाल यूज़ किए हैं. यहाँ पर हल्दी मैंने यूज़ किया है 1 चम्मच. नमक मैंने लिए हैं 1 से 1.5 चम्मच. वो आपके स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं. और जो डफ बनेगा वो मैं आटा का भी ले रही हूँ. आप चाहे तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं. आटा मैंने लिया है 2 कप. तो हम लहसुन को अच्छे से थोड़ा बारीक करके उसको काटना पड़ेगा. तो हम यहाँ पर हल्का करके इसको काट रहे हैं. पहले अभी हम हरी मिर्च जो है वो भी उसको अच्छे से ग्रेट कर लेंगे. अब हम जो लहसुन छोटे छोटे हमने काटा है वो हम थोड़ा सा कूट लेंगे. अभी हम गैस ऑन कर रहे हैं. थोड़ा सा कढ़ाई आप गर्म होने दीजिए. उसके बाद हम जो हमारी मसूर की दाल है वो हम फ्राई कर लेंगे. देखिए कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो गया है. मैंने जो मसूर की दाल है वो मैं बिना तेल के यहाँ पर थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी. उससे क्या होगा, जो मसूर की दाल की हल्की सी स्मेल आएगी तो वो जो स्टफ है उसमें बहुत अच्छा लगेगा. तो हम उसको हल्का सा फ्राई कर लेते हैं. आप जो आँच है वो मीडियम में रखिए कि वो जल ना जाए. तो अभी हम देख सकते हैं इसका कलर हल्का सा चेंज हो गया है और इसका स्मेल भी अभी आ रहा है. तो हम उसको गैस को ऑफ कर देंगे और मसूर की दाल को वॉश कर देते हैं. तो हमने गैस ऑफ कर दिया. अभी हम गैस ऑन कर रहे हैं और यहाँ पर हम पानी डालेंगे. आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है क्योंकि हमें सिर्फ मसूर का दाल जो है उसको बॉयल करना है. तो थोड़ा थोड़ा करके आप पानी डालते रहिए. अभी जो मसूर की दाल है वो हम यहाँ पर डाल देंगे. नमक डाल रहे हैं हम यहाँ पर. हर एक मिनट पे आप ये चेक करते रहिए क्योंकि पानी अगर कम हो जाता है तो मसूर की दाल जल सकते हैं. तो जब तक पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा तो आप फिर से पानी थोड़ा बहुत करके डालते रहिएगा. मैं यहाँ पर कवर निकाल रही हूँ. देखिए जो पानी है वो कम हो गया है. लो फ्लेम में आप रखिएगा क्योंकि आप मीडियम करेंगे या हाई करने जाएंगे तो हो सकता है पानी ऊपर से बाहर आ जाए आप अगर कवर करते हैं तो. तो यहाँ पर पानी कम हो गया है. मैं फिर से पानी डाल रही हूँ बट ज़्यादा नहीं, थोड़ा डाल रही हूँ. जब चाहिए होगा फिर से ऐसे डाल देंगे. तो आप जब तक बॉयल नहीं होता तब तक चेक करते रहिए 1-1 मिनट में. और जब पानी कम हो जाता है तो आप फिर से पानी थोड़ा डालेंगे. यहाँ पर मैं कवर कर रही हूँ फिर से. तो अभी हम कवर निकाल रहे हैं. आप देख सकते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है और दाल काफ़ी बॉयल हो गया है. अभी थोड़ा बहुत मॉइस्चर बचा है बट हम उसको रख देंगे क्योंकि लहसुन और हरी मिर्च के साथ हमें इसको हल्का सा फ्राई करना है. तो अभी हम गैस एकदम कम कर देते हैं और जो मसूर की दाल है वो एक बाउल में निकाल लेते हैं.
हम अभी यहाँ पर सेम कढ़ाई ले रहे हैं, उसको थोड़ा सा धो लीजिए। चाहे तो आप सेम कढ़ाई यूज़ कर सकते हैं या दूसरा कढ़ाई भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये थोड़ा सा अभी गर्म हो जाए, उसके बाद हम इसमें तेल डाल देंगे। तो कढ़ाई हमारा अभी गर्म हो गया है, हम इसमें तेल डाल देंगे। आँच आप मीडियम रखिए। अभी हमारा गरम हो गया है, हम इसमें जो लहसुन कटे हुए हमने रखे थे वो लहसुन डाल दिया। जो हरी मिर्च हमने रखे थे वो हरी मिर्च भी डाल देंगे। अभी आप देख सकते हैं लहसुन का कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है और उसका जो स्मेल है वो भी आ रहा है। हरी मिर्च भी हल्का सा फ्राई हो गया है। तो अभी हम जो मसूर की दाल हमने बॉईल किए हैं वो डाल देते हैं। और हल्दी पाउडर जो हमने रखे थे वो भी डाल देते हैं। आज सब थोड़ा सा लो टू मीडियम कर दीजिए और उसको हिलाते रहिए। तो अभी आप देख सकते हैं ये एकदम ड्राई हो गया है। अभी हम ये बाउल में निकाल देते हैं और उसको हल्का सा ठंडा होने देते हैं। तो मैंने यहाँ पर गैस ऑफ कर दिया है। तो हमने यहाँ पर डक ले लिया है, इसमें हम नमक डाल देंगे, हल्का सा आप शुगर डाल सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो। और मैं यहाँ पर तेल यूज करूंगी, पर तेल में अभी हल्का गरम करके डालूंगी। अभी हम हाथ से इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अभी इसके साथ तेल अच्छे से मिक्स हो गया है, अब हम पानी डाल देते हैं। तो डव हमारा जो है वो तैयार है। आप उसमें अभी ऊपर थोड़ा मॉइस्चर रखने के लिए इसमें हल्का सा तेल डाल दीजिए। उसको आपको गर्म तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, आप हल्का तेल इसमें डाल दीजिए और उसको अच्छे से मसल लीजिए। अभी बनके तैयार है। आप इसको 15 मिनट के लिए कवर करके रख दीजिए। डव हमारा अभी सॉफ्ट हो गया है। तो अभी हम पूरी बना लेते हैं, छोटा छोटा करके हम इसका अभी पूरी बना लेते हैं। मैंने यहाँ पर आटा यूज़ किया है, आप चाहे तो उसको ऑयल से भी आप कर सकते हैं जैसे हम पूरी बनाते हैं। और अभी हम इसमें दाल के जो स्टफ है वो हम डाल देते हैं। हल्के हाथ से बेलना है, ज़्यादा उसको प्रेस नहीं करना है। अगर दाल निकल गया तो तेल में जब आप फ्राई करने जाएंगे तो वो दाल तेल में निकल जाएगा और पूरी में
वो पूरी का जो टेस्ट है वो नहीं आएगा। तो बस इतना ही करना है हमें। तेल जो है हमारा अभी गर्म हो गया है, अब हम पूरियां डाल देंगे। जैसे उसको हल्के हाथ से दबाते रहिए तो वो थोड़ा सा हल्का हल्का करके फूल भी जाएगा और अंदर का भी अच्छे से हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने अच्छे से पूरियां जो है वो फूल गई है। हमारी पूरियां जो है वो बनके तैयार है। तो ये हमारी स्टफ्ड दाल पूरी तैयार है। आप उसको ग्रीन चटनी या सॉस आप किसी के साथ भी खा सकते हैं, या शाम को आप एक कप चाय के साथ लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। आप घर पे ट्राई कीजिए। आपको अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिख सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको लगता है कि इसमें सुधार चाहिए आपको या कुछ और चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट पर बताइए। मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।